हेलो फ्रेंड्स, सो टुडे वी विल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम केमिस्ट्री. ओके, द चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन. सो व्हाट इज़ द टॉपिक? इट इज़ ऑक्सीडेशन नंबर. हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ एलिमेंट इन अ गिवन कंपाउंड. सो बिफोर डूइंग दैट, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द रूल्स फॉर असाइनिंग द ऑक्सीडेशन नंबर. ठीक है, कोई भी कंपाउंड में किसी एलिमेंट को जब ऑक्सीडेशन नंबर उसका कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ एक रूल्स जो हैं वो मेंशन किए गए हैं, बनाए गए हैं, तो उनके बारे में देखेंगे. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट लर्निंग. अच्छा, सबसे पहले व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर? सो ऑक्सीडेशन नंबर इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड असर्टेन्ड अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ रूल्स फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस दैट द इलेक्ट्रॉन इन अ कोवलेंट बॉन्ड बिलोंग्स एंटायरली टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. तो जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो किसी एलिमेंट की, किसी कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जो कि उसको दी जाती है, साइन की जाती है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ रूल. और वो रूल किसके बेसिस पे बनाए जाते हैं? दैट इलेक्ट्रॉन इन अ कोवलेंट बॉन्ड, किसी कोवलेंट बॉन्ड के बीच में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पूरे तरीके से जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उस बॉन्ड के अराउंड उसकी तरफ को उससे रिलेट करता है. ठीक है, बेसिकली तो इसको हम बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर. ठीक है, अब चलते हैं इसके रूल्स की तरफ. सो हियर इज रूल नंबर वन. तो क्या है रूल नंबर वन? द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स एलिमेंट्री फॉर्म इज ज़ीरो. जब भी कोई एलिमेंट उसके एलिमेंट्री फॉर्म में होता है, लाइक हाइड्रोजन H2, ठीक है, O2 हो गया, ठीक है, N2, इस तरीके से आपका Cl2 हो गया, ओके, P4 हो गया, ठीक है, S8, ये चीज़ें भी एलिमेंट्री फॉर्म में है. ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका कॉपर हो गया, आयरन, ठीक है, तो ये सारे जो हैं एलिमेंट्री फॉर्म में है, इसीलिए इन सब का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो. ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या बोलता है. इन मोनो एटॉमिक आयन, ठीक है, जो सिंगल एटॉमिक आयन होते हैं उसके अंदर जो उसका एटॉमिक नंबर होगा, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर होगा, वो जितना उसके चार्ज होगा उसके बराबर होगा. फॉर एग्जांपल लाइक कैल्शियम 2+, ठीक है, ये कैल्शियम आयन, तो इसमें इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो भी कितना होगा? +2. ठीक है, इसके अलावा अगर हम देख लेते क्लोराइड आयन, तो इसके अंदर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? -1. नेक्स्ट है द कंपाउंड विद नॉन मेटल द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1. जब भी हाइड्रोजन हमको नॉन मेटल्स के साथ मिलेगी, लाइक HCl हो गया, ठीक है, H2S हो गया और आपका H2 हो गया, तो इन सब में ये सारे क्या हैं? नॉन मेटल्स. ठीक है, तो हाइड्रोजन जब भी नॉन मेटल के साथ बाइंडेड फॉर्म में मिलेगी तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा +1. अब नेक्स्ट चीज़ है इन मेटल हाइड्राइड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज -1. तो जब भी हाइड्रोजन मेटल के साथ कंबाइंड फॉर्म में होगी उनको बोलते हैं मेटल हाइड्राइड, और उस केस में इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा ये होगा -1. फॉर एग्जाम्पल NaH, ओके, LiH, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, ये सारे. तो इन सब के अंदर जब भी मेटल के साथ हाइड्रोजन मेटल हाइड्राइड के फॉर्म में होगी तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? -1. नेक्स्ट रूल, अब आता है नेक्स्ट रूल. ऑक्सीजन, जनरली हमें पता है ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है -2. ठीक है, मैक्सिमम कंपाउंड में ऑक्सीजन को जो ऑक्सीडेशन नंबर असाइन किया है दैट इज़ -2. बट देर आर अ फ्यू एक्सेप्शन लाइक Na2O2 एंड H2O2. इन दोनों कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा दैट विल बी -1. नेक्स्ट है OF2. ठीक है, इसके इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा आपका +2. नेक्स्ट O2F2, तो इसके इसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा ऑक्सीजन का इट विल बी +1. अब नेक्स्ट आते हैं द कंपाउंड विद मेटल एंड नॉन मेटल. जब भी मेटल एंड नॉन मेटल का कंपाउंड होगा लाइक MgCl2, ठीक है, तो उस केस में जो आपके पास मेटल होगा दैट विल बी असाइन
पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, वेयर एज द जो नॉन मेटल होगा उसको हम असाइन करेंगे नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। तो इस केस में एम जे जो है वो क्या है, मेटल है, ठीक है, इसलिए इसको असाइन किया जा रहा है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, जबकि क्लोरीन जो होती है नॉन मेटल है, इसलिए इसको असाइन कर रहे हैं नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। अब अगर दोनों ही नॉन मेटल हो, इफ़ द कंपाउंड इज मेड अप ऑफ टू नॉन मेटल, देन फॉर एग्जांपल HCl है, ठीक है, तो इसमें दोनों क्या है, नॉन मेटल, तो इस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो अपना इम्पैक्ट छोड़ती है, ठीक है। जिसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उसको असाइन किया जाएगा नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर, जबकि जिसकी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उसको असाइन किया जाएगा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं H2SO4 का, ठीक है। द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट विल बी इक्वल टू 0। तो देखते हैं निकाल के, ठीक है, तो इसको निकालते कैसे हैं वो हम डिटेल में भी करेंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2+1 हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता है +1 है, फिर प्लस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा आपका +6, +4 ऑक्सीजन का जो वैलेंसी होती है दैट इज -2, इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया +2, यहाँ पे +6 एंड 4 × 2 कितना हो गया, 8, ठीक है, इक्वल टू 0। तो 6+2 8 हो गया, 8 और 8 कट गया, इसका मतलब इसमें टोटल जो ऑक्सीडेशन नंबर है सब एलिमेंट्स का वो किसके बराबर आ रहा है, 0 के। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल में जो टोटल रहेगा सबका ऑक्सीडेशन नंबर का वो होगा 0 के बराबर, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका कॉम्प्लेक्स या पॉलीएटॉमिक जो आयन होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ले लेते हम SO4-2-, ठीक है। तो इस केस में जो ऑक्सीडेशन नंबर्स का सम होगा दैट विल बी इक्वल टू द नेट सम, इसके बराबर। तो देखते हैं निकाल के, तो पहले हम इसका निकालते हैं, जो भी इसके बाहर होता है उसको मैं इक्वल टू के दूसरे हाफ में लिख देते हैं, ठीक है। तो सल्फर हमने अभी किया, इसका होता है आपका +6, शॉर्टकट में निकाल रहा हूँ, +4 × ऑक्सीजन का आएगा -2, इक्वल टू -2, ठीक है। तो 6, 4 × 8 इक्वल टू -2। अब इसके आगे करेंगे हम, अब 8 माइनस का है 6 प्लस का है, ठीक है, तो यहाँ से कितना बच गया, -2, और दूसरी साइड पे भी कितना है, -2। तो ये आ गया हमारा जो नेट चार्ज है उसके बराबर, जो सम है किसका, ऑक्सीडेशन नंबर जो भी हमारे पास पॉलीएटॉमिक आयन है उसका। तो ये थे रूल्स और कुछ एक एग्जांपल्स। अब हम नेक्स्ट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कैसे करते हैं। चलो अब सीखेंगे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सबसे इजी क्वेश्चन से चलेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं CH4 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे हम। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, जिस एलिमेंट का निकालना है उसके ऊपर हमने एक्स मेंशन कर देना, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्स, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन कर दो उनको। तो यहाँ पे हमें हाइड्रोजन का पता है +1, ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये है। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, अब कैलकुलेट करना है। तो किसी के बेस पे अगर कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है, ठीक है, तो करो 1 ब्रैकेट में लिख देंगे उसका ऑक्सीडेशन नंबर, मल्टीप्लाई करेंगे उसको, तो इसके साथ आ गया आपका एक्स, उसके बाद प्लस लगा दो, ठीक है। फिर नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे 4 × इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1, ठीक है। अब कुछ और है नहीं, तो इज इक्वल टू 0, अगर इसके ऊपर नेट चार्ज होगा तो वो लिखेंगे, अदरवाइज 0। तो क्या आ जाएगा, 1 × x इज इक्वल टू एक्स +++, ठीक है, मतलब प्लस का साइन नहीं रहेगा, 4 × 1 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू +4 को उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, माइनस का, इसका मतलब कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर इस कंपाउंड में कितना है, -4। तो हो गया फर्स्ट एग्जांपल। अब करेंगे हम सेकंड एग्जांपल, ठीक है। तो हम देखेंगे KMnO4 के अंदर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे।
तो अगेन हमने क्या करना है, एक्स लिख दो, इसका हमने निकालना है, इसके ऊपर एक्स मेंशन कर दो, ठीक है, एक मिनट। तो इसके ऊपर यहाँ पे हमने निकालना है एक्स लिख लिया, ठीक है। पोटेशियम में पता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 19, तो इसके ऊपर प्लस वन एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन, ऑक्सीजन का हमें पता है -2। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे इसको, ठीक है, तो वैसे ही करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 के बराबर है, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 4, तो क्या करेंगे, 1 इंटू प्लस 1, ठीक है, प्लस 1, उसके बाद प्लस 1 इंटू, सॉरी यार चल रहा है, 1 इंटू एक्स, उसके बाद प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। अब 1 इंटू 1 क्या आएगा, प्लस 1, 1 इंटू एक्स मतलब एक्स प्लस 4 माइनस का 2, तो 4 टू 8 माइनस का 8 आ गया इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे प्लस 1 है, यहाँ -8 है, तो 8 में से 1 निकाल दो, तो क्या रह जाएगा, 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू 7 को साइड ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, प्लस 7। तो मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट इस केस में क्या है, प्लस 7, ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। तो इजी है, बिल्कुल ट्राई करते जाओ एग्जांपल, ठीक है। फिर ये है आपका नेक्स्ट एग्जांपल, हमने इस केस में क्रोमियम का निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसके ऊपर लिख दो एक्स, ठीक है। बाकी पोटेशियम का हमें पता लग गया है प्लस 1, ऑक्सीजन का हमें पता लग गया है -2, तो लिखते जाइए 2 इंटू प्लस 1, ठीक है, प्लस 2 इंटू एक्स, नेक्स्ट प्लस 7 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, तो 2 इंटू 1 क्या आएगा, प्लस 2 हो गया, ठीक है, 2 इंटू एक्स तो प्लस 2x हो गया, उसके बाद प्लस यहाँ पे माइनस है बट, ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका माइनस आ जाएगा, ठीक है, -7 × 14 इज इक्वल टू 0। तो अब होगा क्या, 2 14 में से निकाल दो, 2x -12 इज इक्वल टू 0, ठीक है, सो 2x इज इक्वल टू 12 को साइड ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है, सो एक्स इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई, ये 2 चला जाएगा उस साइड को, ठीक है, 2, तो 12 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, 6 प्लस का, ठीक है, जिसका मतलब क्रोमियम जो है वो इस कंपाउंड में प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है, ईजी है, बिल्कुल ट्राई करते जाओ। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं ऐसा जिसमें चार्ज है इसके ऊपर, फॉर एग्जांपल S2O4 2-ion, तो ये चार्ज मेंशन कर दिया मैंने इसके ऊपर, ठीक है, ये कोई इसका चार्ज नहीं है, नेट चार्ज है, ठीक है। तो चलो अब निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, हमने सल्फर का निकालना है, तो कैसे करते हैं कैलकुलेशन, वैसे पहले एक एलिमेंट लेंगे, ठीक है, फिर दूसरा, तो 2 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का -2 होता है, ठीक है, इज इक्वल टू ओवरऑल इस साइड का नेट चार्ज कितना है, -2, तो 2 इंटू एक्स हो गया 2x, ठीक है, प्लस माइनस हो जाएगा, -4 × 8 इज इक्वल टू -2, सो 2x 8 को उधर ले जाएंगे, -2 + 8, तो यहाँ पे बच गया आपका +6, और इस साइड है 2x, अब x निकालने के लिए 2 उस साइड ले जाएंगे, 6 / 2, तो ये आ जाएगा +3 आंसर, ठीक है। तो इसका मतलब सल्फर इस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट में है +3 की, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, किसका, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का, ठीक है, तो सेम ही चीज़ है, बस इसमें ये ध्यान रखना कि इसमें जो होते हैं एक आपके कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं, ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर
जो होता है कंबाइंड फॉर्म में होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, बाकी सेम चलेगा। फॉर एग्जांपल चलो वन इंटू एक्स, एक मिनट यार, वन इंटू एक्स प्लस सिक्स, अब साइनाइड का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है माइनस वन, ठीक है, इज इक्वल टू, ये नेट चार्ज है, इसको हम इक्वल टू के सेकेंड साइड पे लिख, राइट हैंड साइड पे लिख देंगे, तो ये आ गया माइनस थ्री, तो वन इंटू एक्स आ गया आपका एक्स, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया, सिक्स आ गया इज इक्वल टू माइनस थ्री, एक्स इज इक्वल टू सिक्स को उधर ले जाओ, ये प्लस का हो जाएगा, तो सिक्स में से थ्री को माइनस कर दो, एक्स इज इक्वल टू प्लस थ्री, तो ये भी ईजी है कि नहीं। सो ऐसे करते जाइए। श्वेता, आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ और हॉट्स और फैक्ट्स के साथ फिर से मिलते हैं, ठीक है, तब तक ट्राई करते जाइए, बहुत सारे एग्जांपल है, जितना ट्राई करेंगे, ठीक है, उतना ही आपकी कमांड बनेंगी कैलकुलेशन में, ठीक है। सो कीप स्टडिंग गाइस एंड स्टे सेफ, स्टे एक्टिव, कीप लर्निंग, बाय बाय।